वेलकम बैक टू बैरिका क्लासेज। मैं हूँ रिचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें अभी आपका ये फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके मैंने कुछ टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, इस चीज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें जो पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें पहला प्रोसेस है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। दूसरी प्रोसेस है डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ प्रोसेस है इजेशन। ठीक है, इतने स्टेप में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो कंप्लीट होता है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको ये इतने स्टेप जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, वो किसी भी टाइप का एनिमल हो। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस जो है वो इंजेशन है। इंजेशन में होता क्या है, इंजेस्ट करना, मतलब कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं तो उसको अब वो कहाँ कैसे जा रहा है, वो इन ही तो हो रहा है, आउट तो हो नहीं रहा है। तो इंजेस्ट करना किसी भी सॉलिड फूड मटेरियल को, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, अब इंजेशन के बाद की जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन। डाइजेशन में होता क्या है कि इंजेस्ट किया हुआ जो फूड मटेरियल है वो, क्योंकि मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया, हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं उसे, सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म से उसे ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है और उसके बाद उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना सॉलिड फूड मटेरियल का विद इन द सॉफ्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में सॉलिड फूड मटेरियल का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। पहली प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन में किसी भी सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक करना, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, हम जो भी चीजें खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कुछ भी चीज खा रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जो भी चीज जा रही है उस सॉलिड फॉर्म को फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब अगर कोई चीज डाइजेस्ट हुई है तो उस डाइजेस्टेड फूड को क्या होना जरूरी है, हमारी बॉडी में पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला डाइजेशन कहाँ पे होता है, माउथ में, और सबसे लास्ट डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर सबसे लास्ट डाइजेशन होता है और उसके बाद उस फूड मटेरियल को, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की बात मैं नहीं कर रही हूं, अभी ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की बात हो रही है, तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से डिफरेंट पार्ट में पहुंचना जरूरी है, तभी हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस, वो जो फूड मटेरियल है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो हमारे ब्लड में जब मिक्स होता है तभी तो पूरी बॉडी में पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड का ही सर्कुलेशन है हमारी पूरी बॉडी में। तो ब्लड में मिक्स होने की ही प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब अब वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया, अब उसे बॉडी में पहुंचाया जाएगा, लेकिन सिर्फ ब्लड तक मिक्स होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इंजेशन मतलब किसी भी सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक करना, हम हाथ से खा रहे हैं या मुंह से खा, जिस भी तरीके से, कुछ एनिमल्स हैं जो कि हाथ का यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह से खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फूड मटेरियल सॉलिड फॉर्म में जा रहा है हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में, वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस इंजेशन कहलाएगी। दूसरी प्रोसेस डाइजेशन, मतलब वो सॉलिड फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम जब कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है उसमें जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ, यानी कि सिंपल फॉर्म में जो आ गया फूड मटेरियल, उसको ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है।
नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन। ब्लड में जब कोई चीज पहुंची तो अब उस ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में, क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? सेल से बनी है, तो सेल ही हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट है। मतलब अगर सेल के पास तक एनर्जी नहीं पहुंची, यानी कि फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल नहीं पहुंचा, तो हमारी बॉडी वैसे भी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो सेल तक उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को पहुंचना जरूरी होता है, और वो कैसे पहुंचेगा? डायरेक्ट मुंह से तो सेल में नहीं चला जाएगा, ठीक है। डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके बाद वो ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड में ही मिक्स होकर के वो सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो सेल तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाती है, ठीक है। मतलब सॉलिड फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में आया, सिंपल फूड मटेरियल से वो ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड में मिक्स होने के बाद वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया गया? सेल के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। तो सेल के थ्रू एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है, ठीक है। मतलब अब हमारी बॉडी को कंप्लीट एनर्जी मिल गई, ठीक है। मतलब हमें खाना खाने का फायदा हो गया, ठीक। फिर लास्ट प्रोसेस क्या है? इजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब अंदर लेना, और इजेशन मतलब बाहर निकाल देना सॉलिड फूड मटेरियल को, ठीक है। मतलब सॉलिड फूड मटेरियल का सेंस ये है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो कि डाइजेस्ट, जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है वो अलग हो गया, और उसमें से भी कुछ फूड मटेरियल ऐसा है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो पहुंचता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू क्या किया जाता है? उसे रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिलीज करने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? तो इतने स्टेप में हमारे न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है, मतलब जो भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है वो इतने ही स्टेप्स में कंप्लीट होगी, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेप है। अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन होता है या जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कितने सेल से बनी है? केवल एक सेल से, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर मतलब जिनकी बॉडी कई सारे सेल से बनी हुई है, जैसे हमारी बॉडी। हमारी बॉडी एक सेल से नहीं बनी, हमारी बॉडी कई सारे सेल से बनी है, जिससे फिर ऑर्गन बनता है, सॉरी, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर एक कंप्लीट बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल है, उसी सेल में सारे ऑर्गन की भी फंक्शनिंग है, सारी चीजों की फंक्शनिंग उसी एक सेल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उनमें कैसे होता है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अमीबा का, ठीक है। अमीबा की बॉडी कैसी होती है? यूनिसेलुलर, और इसके अलावा ये किस टाइप की होती है? इररेगुलर शेप की बॉडी पाई जाती है, ठीक है। इररेगुलर शेप की होने की वजह से इनमें ना माउथ का पता चलता है ना एनस का पता चलता है, इस वजह से इनमें, इनकी बॉडी क्या है? इररेगुलर शेप ही है, इसीलिए इनमें कोई भी बॉडी डिजाइन प्रॉपर सेफ नहीं है, ठीक है। अब इनकी बॉडी में होता क्या है? सबसे पहले जब डाइजेशन की प्रोसेस होना, सॉरी, न्यूट्रिशन की प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, तो उस समय इनमें भी सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? इंजेशन की, ठीक है। इंजेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि जो फूड मटेरियल है वो जैसे ही इनके कॉन्टेक्ट में आया, ये फूड मटेरियल मान लो इनके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ठीक है, ये वॉटर बॉडी में ही है, ठीक, इनकी बॉडी के कांटेक्ट में आया, जैसे ही कोई इंसेक्ट इनकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है या कोई भी फूड मटेरियल इनके बॉडी के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है कि इनकी बॉडी एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, मॉडिफाई हो करके कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या है? पैर, ठीक है, लेग। जिनमें झूठा लेग पाया जाए उसे, उस प्रोसेस, वो जो झूठे लेग बनने की जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। जो चीज बन रही है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होने के बाद यहां पर जैसे ही ये फूड मटेरियल इनके कांटेक्ट में आया, इनके चारों तरफ इसको कवर कर लिया जाता है, यानी कि
ये स्ट्रक्चर मैं दूसरा बना लेती हूँ। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस इंसेक्ट को इस तरीके से मेम्ब्रेन बना करके, यानी कि इनके चारों तरफ एक कोटिंग कर दी जाती है या मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है और ये इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है। ठीक है, इनको ट्रैप करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वैक्यूल के फॉर्म में ये अंदर आ गया, क्योंकि इस इंसेक्ट के साथ क्या होता है, थोड़ा सा वाटर बॉडी भी इनके साथ अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अब इस वाटर बॉडी की वजह से इनकी सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये खतरा रहता है कि इनकी सेल जो है वो बच कर जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इनमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी वैक्यूल के अंदर, मैंने जब वैक्यूल का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि इनमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से ये जो इंसेक्ट है या जो फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल जो है, ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीटली इसमें। और जब डाइजेस्ट हो जाता है, सबसे पहली प्रोसेस मैंने बताया था क्या, इंजेशन, मतलब किसी भी फूड पार्टिकल को क्या करना, इनटेक करना। ठीक है, फिर इनटेक करने के बाद दूसरी प्रोसेस क्या हुई, उसकी डाइजेशन की। ठीक है, मतलब यहां पर वैक्यूल बनने के बाद इस इंसेक्ट को क्या कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया गया। ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि इनकी पूरी बॉडी में वैक्यूल क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा और ये जो डाइजेस्टेड पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, पूरे इनके साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ही इनमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इनमें ब्लड कैपिलरीज तो है नहीं, सेल ऑर्गन्स तो है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इनमें साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होती है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में जहां जहां जिस भी तरीके से इनको एनर्जी की जरूरत होगी, उस तरीके से इनको एनर्जी वहीं से मिल जाएगी। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो जहां इनको जरूरत होगी एनर्जी की, जैसे इनको अगर रिप्रोडक्शन में एनर्जी की जरूरत होगी तो वहां इनको यूज कर दिया जाएगा। इनकी बॉडी को मतलब अगर फिर से रेस्पिरेशन की जरूरत होगी तो भी इनको दे दिया जाएगा वो फूड मटेरियल। तो जिस भी तरीके से इनको एनर्जी की जरूरत होगी, इनको एनर्जी पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, इजेशन की। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको यहां तक, किनारे तक लाया जाता है मेम्ब्रेन तक, और उसके बाद इसी वाटर बॉडी में डिजॉल्व कर, इजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी प्रोसेस हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो ये या तो अमीबा हुआ या पैरामीशियम हुआ, सब में सेम ऐसे ही प्रोसेस होगी। पैरामीशियम में एक डिफरेंस होता है कि उनमें क्या पाया जाता है, सीलियम। पैरामीशियम की बॉडी इस तरीके से पैरामीशियम की बॉडी होती है। ठीक है, यहां पर इनकी बॉडी में इस तरीके से सीलिया पाए जाते हैं। ठीक, और यही सीलिया क्या करते हैं, जब भी इनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस होनी होगी तो ये सीलिया अंदर की तरफ मुड़ करके, इसी सीलिया से फूड मटेरियल को कैच किया जाता है। ठीक है, कैच करने की वजह से यहाँ पर ये जो सीलिया होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और यहाँ पर भी एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही है, बस इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है और यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम के पास। मेनली सीलिया जो है वो फूड मटेरियल को कैच करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई न्यूट्रिशन की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो वापस से मैं बता दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, एक बार वापस से फिर से सुन लो। अमीबा में जब न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो इंजेशन की होती है, मतलब फूड मटेरियल को इनटेक करना। ठीक है, तो जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आता है, ये उस फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये उन्हें डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इनमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो पोडिया बोलते हैं। स्यूडो पोडिया का फॉर्मेशन हुआ। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग या पैर। ठीक है, तो झूठे लेग का फॉर्मेशन हो जाता है इनमें और उसी कप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो फूड पार्टिकल है वो एंट्री करता है इनकी बॉडी के अंदर।
और वो एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो इस वैक्यूल में वो ट्रैप होने के बाद, क्योंकि वैक्यूल के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो दूसरी प्रोसेस क्या होगी, डाइजेशन की। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा इन फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है वो इनकी बॉडी से क्या होता है, इनकी बॉडी के बिल्कुल आउटर सरफेस पर जाएगा और वहां से फिर वो डिजॉल्व होकर के बॉडी की आउटर लेयर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी, और जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल है उसको वाटर बॉडी में इजेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी प्रोसेस थी जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस, ठीक। और एनिमल्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली प्रोसेस है इंजेशन, दूसरी है डाइजेशन, तीसरी है एब्जॉर्प्शन, चौथी है एसिमिलेशन और पांचवी है इजेशन, ठीक है। अगर यहां तक कहीं किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करके और आपको वापस से फिर यही चीज एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।